हेलो चिल्ड्रन, मैं आपकी हिंदी टीचर विमला। तो आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। बच्चों, आपने पिछले पाठ में पढ़ा था कि हम अलग अलग भाषाओं में बात करते हैं। हम अपनी बात को दो तरह से कह सकते हैं, बोलकर और लिखकर। अब बच्चों बताइए, यह चित्र किसका है? यह चित्र आम का है। बिल्कुल सही। तो बच्चों, मैंने आपसे बोलकर पूछा कि यह चित्र किसका है, तो आपने भी मुझे बोलकर जवाब दिया कि यह चित्र आम का है। बच्चों, जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। ध्वनि मतलब आवाज। ये ध्वनियां जब लिखी जाती हैं तो वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण बहुत सारे होते हैं और इन्हीं वर्णों के सही क्रम को हम वर्णमाला कहते हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्णमाला पढ़ेंगे। पाठ 2 वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के 2 भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो बच्चों, अब हम स्वरों के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ। तो बच्चों, हमने स्वरों को पढ़ा। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। बच्चों, क्या आप इन वर्णों को पहचानते हैं? हाँ, ये है अंग अह, यानी कि अनुस्वार और विसर्ग। ये भी हिंदी वर्णमाला के अंग होते हैं। ये दोनों स्वरों के ठीक बाद आते हैं और इन्हें अयोगवा कहते हैं, क्योंकि ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन। है ना मज़े की बात? आइए इनके बारे में और जानें। अंगा यानी अनुस्वार, इसका चिन्ह है ये। अनुस्वार वाले कुछ शब्द हैं, पतंग, बंदर, झंडा, बंदूक। आहा यानी विसर्ग, इसका चिन्ह है ये। इसे 2 बिंदुओं के रूप में लिखते हैं। यह निशान अक्षर के बाद लगाया जाता है। इसे बोलते समय ह जैसी आवाज आती है, जैसे प्रातः नमः। आ बच्चों, आइए चंद्र बिंदु के बारे में जानें। चंद्र बिंदु को अनुनासिक भी कहते हैं, इसका चिन्ह यह है। चंद्र बिंदु वाले कुछ शब्द हैं, दांत, चांद, सांप, मूंछ। बच्चों, हम बातचीत में इन सभी ध्वनियों का भी प्रयोग करते हैं। अब हम वर्णमाला का दूसरा भाग व्यंजन पढ़ते हैं। क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अणा, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श स ह।
इन व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इन व्यंजनों के अलावा 4 और व्यंजन होते हैं। ये व्यंजन हैं छ, त्र, ज्ञ, श। ये व्यंजन 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। बच्चों, आज हमने हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्णमाला पढ़ा है। तो जब तक मेरी अगली वीडियो आपके पास आएगी, तब तक आप वर्णमाला के सभी वर्णों का सही प्रकार से उच्चारण करेंगे और अपनी किसी भी हिंदी की नोटबुक में, जो पुरानी हो, उसमें वर्णमाला को क्रम अनुसार सही ढंग से लिखेंगे। तो बच्चों, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव ए नाइस डे चिल्ड्रन।